और क्या कर रही है? कुछ नहीं, टाइम पास, बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि बुक पढ़ रही है, फिर भी मैंने पूछ लिया क्या कर रही है। एक्चुअली मुझे तेरे से कुछ बात करना था। क्या हुआ? कब से सोच रही हूँ कैसे बात करूँ इस बारे में। किस बारे में? अरे वही तो बोलने नहीं हो रहा, किस बारे में। अरे मगर किस बारे में, किस बारे में? अरे मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, किस बारे में। अरे ये क्या किस किस लगा रखा है? शी, थोड़ा मतलब ऐसे अजीब है बोलना। थक पगली, ऐसे कैसे बोल दूँ? आई थिंक मुझे पता है कि आप क्या बोल रहे हो। कैसे बोलूँ सोच रही हूँ। अच्छा मैं बोलती हूँ। अरे मम्मी मतलब तो बड़ी हो गई है, पर मम्मी मैच्योर भी हो गई है। बात करने जैसा क्या है? मतलब वो ही जो सब करते हैं बड़े होने के बाद। वो ही मैं बोलने से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। ऑकवर्ड होना ही अच्छी बात है, तो अभी भी क्यों कर रहे हो? अरे अब नहीं तो फिर कब करेंगे? और मैं नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे यार, और अगर वो रहेंगे भी तो भी इन सब चीजों के बारे में तो मैं ही बात करूंगी ना, क्योंकि मैं माँ हूँ तेरी। पगली, मैं माँ हूँ तेरी। आजकल तो सबको सब कुछ पता रहता है, तो उसमें बात करने जैसा क्या है? अरे लेकिन पता होने में और एक्सपीरियंस होने में फर्क होता है ना पगली। हाँ पर मुझे कौन सा अभी एक्सपीरियंस लेना है? अरे ऐसे कैसे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस है ना, होना ही चाहिए। मम्मी इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? और तू ही बोलती रहती ना, मम्मी आप बोरिंग हो, मम्मी आप पका हो, मम्मी आप मॉडर्न नहीं हो। तो ले, बन गई मैं मॉडर्न। मम्मी मुझे लगता है कि हमको ये कॉन्वर्सेशन इधर ही रोक लेना चाहिए, मतलब एकदम फुल स्टॉप लगा के रोक देना चाहिए प्लीज। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये कॉन्वर्सेशन तो होकर ही रहेगा। हाँ ठीक है, इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? वो तो बस ऐसे ही थोड़े फील्स के लिए। तो मैं कह रही थी कि देख, सेफ्टी फर्स्ट। ये क्या अजीब सिचुएशन है यार। बेटा इसमें अजीब क्या है, सब तो करते हैं। मम्मी मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ सेक्स। गोवा? क्या क्या? गोवा सेक्स? गोवा सेक्स? ओ शिट, गोवा सेक्स करती है तू? क्या सेक्स ऑन द बीच? गोवा जाके सब सेक्स ऑन द बीच करते? वो ही करने के लिए गोवा जाना था ना तुझे? अरे एक मिनट, चूड़ियां भी नहीं है तोड़ने के लिए। हाय मेरी बेटी सेक्स करती है, मेरी बेटी सेक्स करती है। अरे रे राम, आप गोवा के बारे में बात कर रहे थे? नहीं तो क्या, मैंने सोचा फाइनली उस गोवा ट्रिप के लिए परमिशन दे देती हूँ, जिसके लिए तू 25 साल से भीख मांग रही है। मतलब मैं भी फाइनली गोवा जा सकती हूँ। अबे गोवा नहीं जाने की औकात नहीं है, गोवा जाने की बात करती है। अरे गोवा ही बोलना था तो इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया? अरे मुझे क्या सपना आएगा कि तू के बारे में बात कर रही थी? अरे मम्मी गोवा, चप्पल फेंक के मारूंगी तुझे। अरे यार व्हाट द हेल यार पार्टी प्रसाद, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी तूने। Conversation with your parents, especially your moms, something like this. You know, it's never happened to me, but I've heard a lot of people say that they've had awkward encounters with their parents. And please, मुझे वो सब सुनना भी नहीं, because I feel so awkward. Comment below and let me know कि video कैसा लगा. Thank you so much for watching the video, guys. Do subscribe to my channel, The Controversial Kid. Bye.